केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देहरादून स्थित जीटीसी हेलीपैड पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। देहरादून में उन्होंने केनाल रोड स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी जन औषधि दवाओं की उपयोगिता को लेकर भी बातचीत की है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के खुलने से आम जनता को काफी राहत मिली है। आज कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की महंगी दवाइयां भी जन औषधि केंद्र में कम दरों पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता सभी नागरिकों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराना है। डॉक्टर मांडविया आज दोपहर देहरादून से चमोली के मलारी गांव के लिए रवाना हो गए। यहां भोटिया जनजाति की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमांत क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीमांत गांव मलारी के लोगों ने यहां मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। जनता ने मेरे साथ संवाद करते हुए बताया कि इस बॉर्डर क्षेत्र के गांव में अच्छी सड़कें बनी है। ये बॉर्डर क्षेत्र के गांव में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी हुई है, हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हुई है। यहाँ की जनता को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। टेली कंसल्टेशन से यहाँ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़ के लोगों को ये पहाड़ी क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर सर्जन डॉक्टर की मुलाकात पर जाने से मुक्ति मिलती है। आज मलारी प्रवास के बाद डॉक्टर मांडविया कल देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे दून मेडिकल कॉलेज के नए भवन में 500 बेड वाली क्षमता के अस्पताल सहित रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर के 50-50 बेड और एक एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे।